दिन है 13 जुलाई और समय है माई गॉव डेली डाइजेस्ट का। अगले दो मिनट में आइए जानते हैं दिन की लेटेस्ट अपडेट्स, कोविड से जुड़ी आधिकारिक जानकारियां और आज की इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ द डे। शुरुआत करते हैं कोविड अपडेट्स के साथ। कोविड की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी का क्रम पिछले 24 घंटे भी जारी रहा। फिलहाल यह आंकड़ा 97.28% पर स्टेबल बना हुआ है। अगर बात की जाए डेली पॉजिटिविटी रेट की तो ये भी फिलहाल 1.81% पर दर्ज किया गया है। आप तमाम कोविड अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं mygov.in/covid-19 पर। कोविड के अपडेट से चलते हैं देश के अन्य खबरों की ओर। आज शाम 5 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स 2021 के भारतीय कंटिजेंट को शुभकामनाएं देते हुए उनके ओलंपिक्स के प्रिपरेशन और उनके इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में देश को बताया। इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री ने पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, दुती चंद, नीरज चोपड़ा समेत इंडियन कंटिजेंट के जरिए चीयर फॉर इंडिया का आह्वान किया। आइए साथ मिलकर ओलंपिक 2021 के लिए इंडियन कंटिजेंट का हौसला बढ़ाएं। रोड टू टोक्यो 2021 से चलते हैं आज की इंस्पायरिंग स्टोरी पर और आपको मिलाते हैं अंतर्यामी साहू जी से। अंतर्यामी साहू उड़ीसा के एक छोटे से गांव कंतिलो से आते हैं। वह महज 11 साल के थे जब उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर काम करना शुरू किया। पिछले 64 ईयर्स से वह पब्लिक स्पेसेस में वृक्ष लगाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अपने जीवन के 64 वर्षों में उन्होंने जन जागृति और पर्यावरण की सुरक्षा के काम किए। इस दौरान उन्होंने 10,000 वृक्ष अपने इंडिविजुअल इनिशिएटिव से लगाए हैं। एकला चलो रे के मूल मंत्र के साथ अंतर्यामी साहू जी के जज्बे को माईगॉव सलाम करता है। अपने आसपास के जुड़े ट्रांसफॉर्मेशनल हीरोज की स्टोरी आप हमसे शेयर कर सकते हैं मन की बात की लाइंस में। इसके लिए आप हमें विजिट करिए mygov.in पर। फिलहाल डेली डाइजेस्ट के संस्करण में इतना ही। आप अपने सुझाव हमसे शेयर कर सकते हैं माईगॉव इंडिया यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और कू पर। माईगॉव डेली डाइजेस्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।